चीको द रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, चीको द रेसिपीज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लौंजी कैसे बनती है, क्योंकि आजकल मार्केट में कच्चा आम बहुत ही आ रहा है। ये मीठी चटनी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, इसे आप पराठा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो चलिए बनाते हैं। कच्चे आम की लौंजी बनाने के लिए मैंने लिया है कच्चा आम 300 ग्राम लिए थे, जिसे मैंने धोकर अच्छे से छीलकर बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया। एक कप मैंने चीनी ली है, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, आधा चम्मच मेथी दाना, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सौंफ और 1/4 चम्मच मैंने हींग लिया है। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कुकर रखेंगे, फिर हम कुकर में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल या जो भी रिफाइंड ऑयल आप खाते हो वो डालेंगे। तेल गर्म होने पर हम डालेंगे इसमें मेथी, सौंफ, हींग, फिर हम इसमें जो हमने कच्चा आम काटा था वो डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालेंगे। फिर हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालकर 1 सीटी लगवाएंगे। अब इसमें 1 सीट लग चुकी है और इसके अंदर प्रेशर भी नहीं है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। अब हमें इसे चीनी डालकर पकाना है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो चीनी आप ज़्यादा डाल सकते हो, कम खाना है तो आप इससे कम भी कर सकते हो। फिर हम गैस ऑन करके चीनी को पकाएंगे। हमें इसे चीनी घुलने तक ही पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। अब चीनी अच्छे से घुल गई है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे।